अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार टू न्यूज़ चैनल। हिंदुस्तान की आज़ादी में उलमा इकराम का किरदार और जानबाज उलमा इकराम की तारीखी वाक़ियात और उनके इस्मे इकराम और हिंदुस्तान आज़ाद कब हुआ और कैसे हुआ और हिंदुस्तान के अवाम आज़ादी का दिन कब मनाते हैं और आज़ादी का दिन को कब मानते हैं, तो उसके कुछ मालूमात मैं आपको अपने स्कॉलर ट्रू चैनल की तरफ से सुना रहा हूँ। कुछ तारीखी किताबों से हासिल किए हुए अल्फाज और कुछ अखबार से हासिल किए हुए अल्फाज आपके नज़र कर रहा हूँ। तो जद्दोजहद आज़ादी ही नहीं, मुल्क की कोई भी तारीख हिंदुस्तान के उलमा इकराम के ज़िक्र के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकती। वो ख़ाव मिल्ली या कौमी क़ियादत व सियादत हो या आज़ादी वतन के लिए मैदान जंग में खुद पड़ना, किसी तहरीक की क़ियादत हो या किसी भी मुसीबत और परेशानी के वक्त में लोगों की मदद गमसारी, हर मैदान में उलमाए ने अहम कारनामे अंजाम दिए हैं। हुकूमत वक्त के साथ सीने सपर होकर हक और सच बात रखी है। ये एक बड़ी तारीख सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक उलमा और मुसलमानों ने शुरू की थी और यहाँ के अवाम को ग़ुलामी का एहसास इस वक्त कराया जब इस बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले हाकिम में बगावत उलमा ने ही बुलंद किया था और जंग आज़ादी की सूर भी उन्होंने ही फूंका था। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने लिखा है कि हिंदुस्तान के बेशुमार लोग यह समझते हैं कि मुल्क की पहली आज़ादी की लड़ाई 1850 पर साथ में लड़ी गई थी, लेकिन यह बात अपनी तारीख और अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों से नावाकिफियत पर मबनी है। आज़ादी की तारीख 1850 पर साथ से नहीं बल्कि 1799 में इस वक्त शुरू हुई जब टीपू शहीद ने श्रीरंगापट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। जिस वक्त इनके खून में लिचड़ी हुई लाश पर अंग्रेज़ फौजी ने खड़ा होकर यह बात कही थी कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, इसके बाद ही अंग्रेज़ ये कहने की हिम्मत पैदा कर पाए कि अब कोई ताकत हमारा मुकाबला करने वाली नहीं है, हमारे पंजे में पंजा डालने वाले और कोई नहीं। फिर उन्होंने अमली तौर पर छोटे छोटे नौजवानों को और नवाबों को शिकिश देकर इनको सर तस्लीम खम करने पर मजबूर कर दिया। टीपू सुल्तान की शहादत और अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए असर व रसूख के बाद उलमा इकराम ने ग़ुलामी के आहट को महसूस कर लिया था और इसके बाद इसे ही जिहाद आज़ादी का आगाज़ हुआ। जब अंग्रेज़ ने 1803 में दिल्ली के अंदर यह ऐलान किया कि खल्क खुदा की है, मुल्क बादशाह का, लेकिन आज से हुक्म हमारा है, इस दिन इस मुल्क के सबसे बड़े आलम दीन और खुदा रसीदा बुज़ुर्ग हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बड़े बेटे हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहेब मुहद्दिस देहलवी ने दिल्ली में फतवा दिया कि आज हमारा मुल्क ग़ुलाम हो गया है और इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जिहाद करना हर मुसलमान का और हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है। यह जरायतमंदाना ऐलान ऐसे वक्त में किया गया कि इस अलम दीन के अलावा हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा नहीं था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले में अपनी ज़ुबान से आज़ादी वतन के लिए जिहाद का ऐलान कर सकता था। इस फतवे की पादाश में इनको बड़ी बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी, उन्हें जहर दे दिया गया, इनकी जायदाद को खर्क कर लिया गया, इनकी आँखों की बिनाई इस जहर से जाती रही, इनको दिल्ली शहर से बदर कर दिया गया। वो इन तमाम सख्त तरीन हालात में भी उन्होंने अपनी मौत से पहले दो रूहानी शागिर्द पैदा कर दिए, एक हज़रत सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी और दूसरे शाह इस्माइल शहीद। इन लोगों ने पूरे मुल्क के दौरे किए और मुसलमानों से जिहाद की बैत और इसका अहद लिया, वो हमारे साथ मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। और इन हज़ारों उलमा इकराम और मुजाहिदीन आज़ादी की एक लंबी फुर्सत है जिन्होंने आज़ादी की खातिर हर तरह की कुर्बानियाँ पेश की और कायदाना रोल अदा किया गया, खुसूसन हज़रत
मौलाना शाह वलीउल्लाह दहलवी, मौलाना शाह अब्दुल अजीज़ दहलवी, मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन दहलवी, मौलाना शाह अब्दुल खादर दहलवी, मौलाना सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी, मौलाना सैयद इस्माइल शहीद दहलवी, मौलाना शाह इसहाक दहलवी, मौलाना अब्दुल अहिया बुढ़ानवी, मौलाना विलायत अला अजीम आबादी, मौलाना जाफर थानसरी, मौलाना अब्दुल्ला सादिकपुरी, मौलाना नज़ीर हुसैन दहलवी, मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुवी, मुफ्ती इनायत अहमद काकूरी, मौलाना फरीदुद्दीन शहीद दहलवी, सैयद ताइफ हाजी इमदादुल्ला महाजिर मक्की, इमाम अहरद मौलाना मोहम्मद खासिम नानुतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगवी, खासी इनायत अहमद थानवी, खासी अब्दुल रहीम थानवी, हाफिज़ जामिन शाहिद शहीद, मौलाना रहमत उल्ला किरानवी, मौलाना फैज़ अहमद बदायवी बदायूनी, मौलाना अहमदुल्ला मद्रासी, मौलाना फजल हक खैराबादी, मौलाना राजीउल्ला बदायूनी, इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इमाम इनकलाब शेखुल हिंद मौलाना मोहम्मद हुसैन देवबंदी, मौलाना शाह अब्दुल रहीम रायपुरी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हसरत मोहाइनी, मौलाना शौकत अली रामपुरी, मौलाना उबैदुल्ला सिंधवी, मौलाना डॉक्टर बरकत अली भोपाली, शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, मौलाना कफायत ला दहलवी, मौलाना सैफुर रहमान काबली, मौलाना वहीद अहमद फैज़ाबादी, मौलाना मोहम्मद मियां अंसारी, मौलाना अजीज़ गुल पिशावरी, मौलाना हकीम अंसरत नुसरत हुसैन फ़तेहपुरी, मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली, मौलाना अब्दुल हुसैन सज्जाद पटवी, मौलाना अहमद सईद दहलवी मुजाहिद मिलत, मौलाना हाफिज़ुर रहमान सेवाहारवी, मौलाना मोहम्मद मियां दहलवी, मौलाना अता अल्लाह शाह बुखारी, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, मौलाना अहमद लाहौरी, मौलाना अहमद अली लाहौरी, मौलाना अब्दुल हलीम सिद्दीकी, मौलाना नूरुद्दीन बहारी वगैरह आसमान हैरत के व ताबंद व सितारे हैं जिन्होंने महकमी के शब व तिजूर को तार तार करिया तार तार किया और मुल्क के चप्पे चप्पे को अनवार अहरत की सूफिया शानी सूफी शानी से मामूर कर दिया गया। तो ये कुछ छोटे छोटे मालूमात कुछ तारीख़ी किताबों से और कुछ तारीख़ी अखबार से इकट्ठा करके आपके नज़र आपके कोलाटून चैनल की तरफ से सुना रहा हूँ। ये कुछ ऐसे ही मालूमात 15 अगस्त तक जारी रहेंगे आपके नज़र। अगर आपको ये मालूमात पसंद आए तो आपके दोस्त अहबाब के मोबाइल तक ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्रिया।